नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकाड़ो से हैप्पी लाइफ विद बोकाड़ो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि करेला का जो भरवा सब्जी बनता है, यानी भर के बनता है, वो पहले हम लोग के यहाँ गांव में कैसे बनता था, तो वो पुरानी रेसिपी सब मैं आपसे शेयर करते रहती हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ सामान मैंने रखे हुए हैं। सबसे पहले तो करेला को काट लेते हैं। जितनी बड़े पीस में आपको रखने हैं उतने बड़े पीस में आप इसको काट ले सकते हो। बहुत बड़ा है तो 3-4 पीस में भी इसको काट सकते हैं। इस तरह से इसको काट लेने हैं और फिर आपको इधर से भी काट देना है। सबको इस तरह से काट कर दोस्तों, तो अब 2 ग्लास मैंने पानी रखे हैं और इसमें काटने के बाद करेले को डाल देना है और उबलने के लिए इसको डाल देना है। इसको पूरी तरह से गलाना नहीं है, इसको आधा ही पकेगा तो इसको हटा लेना है। साथ ही एक ढक्कन से इसको ढक देते हैं, लेकिन साथ में आपको बीच में इसको 1-2 बार खोलकर देखते भी रहना है। पीसने के लिए यहाँ आप देख रहेंगे 2 आम जो है कच्चे आम को मैंने यहाँ काट कर रखे हुए हैं। सबको अलग अलग ग्राइंडर में पीस लेना है। ये 2 कच्चे आम का है और यहाँ 2 नहीं 3 टमाटर है ये, और साथ ही आप यहाँ प्याज देख रहे होंगे, 2 प्याज की कटिंग की गई है जो बड़ी बड़ी है, इसको भी पीस लेने हैं। और यहाँ पर तो बाद में मैं आपको शेयर करूंगी। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये आपको फोरन में, यानी जो उसको हम लोग भूनेंगे उस समय डालेंगे। तो पहले मैं इसको पीस करके तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ये करेला जो है वो आधा पक चुका है, अब इसको ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। दोस्तों, तो अब करेले ठंडे हो गए हैं, तो अब इसको क्या करनी है कि ऐसे पकड़ के इसमें से आपको सीड जो है, जो अंदर का पोर्शन है, उसको निकाल लेना है। निकालने के लिए आप कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको आपको इस तरह से इसमें से बाहर निकाल लेना है और इसको फेंकना नहीं है। आप इसको सीधे भी मसाले में डाल सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़े से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि बीज जो है सो सीधे ना मिले। तो इस तरह से मैं सारे को निकाल लेती हूँ। दोस्तों, तो यहाँ करेले में से अंदर से सब मैंने निकाल लिए हैं और यहाँ मैं अब कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई चढ़ा के इसमें 2 चम्मच तेल डाल देने हैं। तेल आप मस्टर्ड ऑयल डालें तो बेहतर रहता है, करेला के लिए मस्टर्ड ऑयल काफी बेहतर रहता है। 2 चम्मच इसमें, कढ़ाई गर्म होने पर 1 चम्मच इसमें जीरा डाल देनी है। जीरा डालने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको मैं एक एक करके दिखला दे रही हूँ। ये लहसुन है, लहसुन महीन करके काटा हुआ है, 4-5 कलियां हैं और 1 इंच के अदरक के टुकड़े हैं, इसको कद्दूकस करके रखा हुआ है, 2 हरी मिर्च है। दोस्तों, अब प्याज जो महीन करके काटा गया था, 1 प्याज उसको डाल देना है। और प्याज जब तक कि चमकने लगे, उसमें एक शाइनिंग आ जाता है प्याज के कलर में, उसको जलाना नहीं है, मैरून नहीं करना है, लेकिन प्याज में शाइनिंग आना है तो वहां तक इसको भूनना है। भूनने में आप अपने फ्लेम को कम में भी रख सकते हो, यहाँ पर सामने में है तो मीडियम में भी कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं। इस तरह से करके इसको भून लेना है, 1-2 मिनट इसमें समय लगेंगे। दोस्तों, अब आप प्याज में देख रहे होंगे कलर आ गया है, सुगंध भी आ रही है मुझे तो। अब इसमें एक एक करके डालते जाना है। ये टमाटर है, 3 टमाटर मैंने इसमें पीस करके रखे हुए थे, उसको मैं डाल रही हूँ। साथ में आप देख रहे होंगे जो प्याज थे, बड़े वाले मोटे वाले कटे हुए, छोटे छोटे 2 प्याज थे उसको पीस करके रखा गया है, वो डाल रही हूँ।
दोस्तों करेला के सीड को मैंने आपसे बात की थी कि करेला के सीड को मैं पीस लेती हूँ हल्का सा, तो वो है तो उसको डाल दे रही हूँ। साथ में कच्चे आम, दो कच्चे आम को पीस कर रखे गए थे, इसको डाल दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह से चलाते रहनी है। चलाते रहना है, मीडियम आंच आप रख सकते हो, फ्लेम को बीच में रखो, मीडियम रखो। और इसमें मैं एक चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ तो मैं एक चम्मच लाल मिर्च भी डालूंगी, लेकिन आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और दो चम्मच इसमें धनिया जो है, धनिया पाउडर, उसको डाल देना है। साथ ही 1/4 चम्मच मैं इसमें ऑल स्पाइस मसाला जो मेरा रहता है, मैंने इसकी वीडियो आपसे शेयर की हुई है, इसको देख ले सकते हैं मैं कैसे बनाती हूँ, उसको डाल रही हूँ। और इसको तब तक अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये पूरी तरह से तेल छोड़ करके तैयार ना हो जाए। फ्लेम पर करते हुए देखो ये अब भून करके तैयार होने जा रहा है। मैं अक्सर इसी समय जाकर डालती हूँ नमक, क्योंकि नमक सही हो ये बहुत जरूरी होता है और इसमें पता चल जाता है कि कितना नमक पड़ेगा अंदाजा आपको। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। आधे चम्मच मैं इसमें गरम मसाला भी डाल देती हूँ। और आप देखोगे कि ये अब मसाला जो है पूरी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। अब इसको पहला काम है कि इसको ठंडा होने देना है, इसके बाद फिर इसको भरना है। दोस्तों अब ये ठंडा हो गया है, अब इसको इसमें लेना है और इसके अंदर आपको भर देना है। इस तरह से सारे में अंदर में एक एक करके मैं भर लेती हूँ, ऐसे भर दो इसको और इसको भर के ऐसे दबा दो। दोस्तों इस तरह से भरावन को लेना है और किसी चम्मच वगैरह की सहायता से या उंगली की सहायता से भी आप इसमें अंदर की तरफ भर सकते हैं। इस तरह से भर देनी है, जो एक्स्ट्रा आपको लगे कि एक्स्ट्रा हो गया है उसको आप इस तरह से निकाल भी ले सकते हैं। और इसका जो इधर वाला पोर्शन है इसको इस तरह से आपको आपस में चिपका देनी है। दोस्तों तो यहाँ मैंने तलने के लिए इसको जितने आपके आ सकते हैं 3-4 जो भी आप इसमें डालकर तल सकते हो। तेल बहुत ज्यादा नहीं देना है, हल्की फुल्की तेल दे करके इसको तलनी है। और ये फ्लेम इसका आप कम लो में करके रखो ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। दोस्तों मैंने 1-2 कम डाले थे ताकि इसको अच्छी तरह से पलट सके। इसको अच्छी तरह से आपको पलट पलट कर ब्राउन करके सेक लेनी है। इस तरह से देखो ये खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। तो दोस्तों ये करेला फ्राई हो करके बड़वा करेला बनकर तैयार हो गया है। और इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।